बजट बहस में भाग लेते हुए भिलवाड़ा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने मुख्यमंत्री पर तीखे प्रहार करते हुए मेवाड़ सहित मारवाड़ पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज हर विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने पहले बजट में जोधड़ास ओवर ब्रिज की जो घोषणा की थी उसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोठारी नदी नगर विकास न्यास द्वारा बनाए गए ब्रिज में दरार पड़ने और उसके दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर रोष जताया। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में भिलवाड़ा को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी जिसका एक पैसा भिलवाड़ा में नहीं आया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट में पूरे पूरे राज्य में सिवरेज एवं सौंदर्यकरण के नाम पर चयनित 25 कार्यों में से 11 तो केवल जोधपुर शहर के हैं और पूरा मारवाड़ देखता रह गया। उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज की भी तीखे तेवर के साथ मांग की और साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था के दबाव को कम करने के लिए एक क्रॉस फ्लाईओवर की भी मांग की। बदनोर उपखंड मुख्यालय पर कॉलेज खोलने की मांग की है। उन्होंने वन मंत्री से बदनोर वन क्षेत्र में विराट माता वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की मांग करी है जिससे वन क्षेत्र में वृद्धि एवं वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। मेरे भिलवाड़ा शहर की जब बात करता हूँ तो पिछले 4 सालों के बजट में एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक जोधड़ास ओवर ब्रिज का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। पहले बजट में इस सरकार के पहले बजट में घोषणा हुई थी। उसके बाद कोठारी नदी पे एक पुल का निर्माण होना था, वो पुल का निर्माण हुआ और निर्माण चालू अधूरा निर्माण में वो पुल ध्वस्त हो गया और उसकी जांच अभी चल रही है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। मेरे शहर में स्मार्ट सिटी की घोषणा पिछले बजट में की गई थी, एक भी पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर आज तक भिलवाड़ा शहर में नहीं लगा है। अगर इस तरह की घोषणाएं, सदस्य सदन का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है, 10 मिनट सदन का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है। अगर इस तरह की घोषणाएं करनी है और अगर आपको वाई वाई लेनी है तो निश्चित रूप से आप लीजिए, जनता आपको जवाब देगी। जब आज अप्रैल से लेके केवल सितंबर माह का समय है आपके पास इस बजट की क्रियान्विधि का, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, नवंबर एंड में चुनाव आ जाएंगे, किस तरह से ये बजट पूरा होगा और किस तरह से इस बजट में राशि का प्रावधान करेंगे। आज हमारा भिलवाड़ा जिला जिस तरह से इस बजट में उपेक्षित रहा है, कोई घोषणा भिलवाड़ा जिले में ऐसी महत्वपूर्ण योजना नहीं हुई है। इतना शानदार बजट जिसको आप बता रहे हैं, भिलवाड़ा जिले में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है जिससे हम आपके लिए मेज बजाएं। आज की स्थिति में भिलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापनगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूरा मेवाड़ क्षेत्र इस बजट में उपेक्षित क्षेत्र है।